आसनसोल के 69 नंबर बूथ के महुआ डांगाल स्कूल में बीजेपी के पोलिंग एजेंट के साथ मारधार करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना में दो लोगों को काफी चोट लगी है, प्रमोद विश्वकर्मा और राजेश भार्मा, दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 79 नंबर बूथ में बैठे थे दुर्गा विद्यालय में पोलिंग एजेंट, एक बार सुबह में भी आकर धक्का मुक्की किया, उस समय भी हम लोग विरोध किए। अभी शाम को मेरा पोलिंग एजेंट काम बैठा है लिवर को, अंदर से आ रहा चाय पी के, गेट से बाहर निकलते के साथ ही मेरे को 20-25 लड़का मिलकर हमला कर दिया। उसमें मुख्य हमलाकार था वहाँ का जो काउंसलर है वसीम का दाहिना हाथ बुलाया था, जाकिर सफ़ेद दाग है उसको जाकिर बोलता है, मेन कंट्रोल में वही है। और एक ही बात है, सलाह बीजेपी करता है, हम लोग का इलाका बीजेपी करता है, देख बीजेपी करने का मिला उसका एक ही वसीम। हम बहुत कोशिश किया हटने का, बचने का, लेकिन बच नहीं, हाथ में ईंटा था, ईंटा से मार दिया।